खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सूरत में दर्दनाक हादसा, कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, 20 छात्रों की जिंदगी खत्म। कई छात्रों की हालत गंभीर, सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। चश्मदीदों ने लगाए लापरवाही के इल्जाम। अभी एक फैमिली को उसकी डेड बॉडी दी गई, बोला कि इसमें पेपर में साइन कर दो कि सेल्फ डिफेंस में हम कूदना पड़ा, 5 से 6 लोग है फैमिली, वो उसको ढूंढ रहे कि उसके बच्चे किधर है, तो उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। सदमे में सूरत, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गुजरात अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर है। सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग के मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों में हरसुल वेकेरिया उर्फ एचके, जिज्ञेश सबजी पागडाल और भार्गव बूटाणी शामिल है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि हरसुल और जिज्ञेश ने बिल्डर से पूरी मंजिल खरीदी थी और उसके बाद अवैध निर्माण कराया था, जबकि भार्गव बूटाणी ड्राइंग क्लासेस का संचालक है। जी हां, वही कोचिंग संचालक चौथे फ्लोर पर जिसकी कोचिंग चलती थी और जिसके बच्चे थे जिनकी जान इस हादसे में गई है। कुल मिलाकर 21 लोग जिनमें 20 छात्र और एक महिला टीचर शामिल है। और बड़ी खबर यह है इस पूरे मामले में कि 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस कोचिंग को वहां पर अवैध रूप से जो चलाया जा रहा था या फिर जो ये अवैध फ्लोर बना हुआ था, इसमें क्या इसकी कोई भूमिका थी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो बिल्डिंग के मालिक है जिन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है, वो दोनों फरार है और उनकी भी तलाश पुलिस तेजी से कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने पूरे हादसे को बयां करती हुई। बीती शाम 4 बजे कोचिंग सेंटर में यह आग लगी थी और उसके बाद 20 छात्र और एक महिला टीचर की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3री मंजिल के एसी के डक्ट में यह आग लगी और धीरे धीरे इसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चौथे फ्लोर पर फैशन डिजाइनिंग की कोचिंग कर रहे वो छात्र थे जिनका दम घुटने से या फिर जान बचाने के चक्कर में फ्लोर से कूदने के कारण उनकी मौत हो गई। ताजा अपडेट के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मृत्युंजय सिंह, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि कोचिंग संचालक को डिटेन किया गया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जो बिल्डिंग के मालिक है वो अभी तक फरार है। जी बिल्कुल, कल जिस प्रकार से ये घटना हुई और बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस वक्त जो बिल्डिंग के मालिक हैं और साथ ही साथ कोचिंग के संचालक वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे हैं और इस पूरे मामले को बढ़ता देख उन्हें यह अंदेशा हो गया था कि ये उन पर गाज गिरने वाली है। और क्यों ना गिरे, क्योंकि लापरवाही भी उन्हीं के द्वारा बरती गई है और जो नियमों का उल्लंघन हुआ है वो उनके द्वारा हुआ है, तो उनकी जवाबदेही तो बनती है। ऐसे पर पुलिस ने जो मामला दर्ज किया गया है, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो 2 है वो फरार बताए जा रहे हैं, जबकि भूटानी जो कि कोचिंग का संचालक था उसे हिरासत में लिया गया है और अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि वाकई में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है। इस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर जो बीडी दस्तूर है, चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये जो सफेद पोशाक में आपको नजर आएंगे, ये MF दस्तूर नाम है इनका, चीफ फायर ऑफिसर हैं और इनसे हमने बात की और इनका कहना है कि उन्हें पूरी घटना की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में वो यहाँ के लोकल अधिकारी से जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उनकी जो एक टीम है वो टीम पूरी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी, पूरी जांच पड़ताल करेगी और पूरा न केवल सिर्फ आग लगने के कारणों का बल्कि इस पूरे बिल्डिंग का ऑडिट कब हुआ था, इस बिल्डिंग में क्या खामियां थी, फायर सिस्टम था या नहीं था, अगर था तो वो किस तरीके से था, इस प्रकार का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। साथ ही साथ आग कैसे फैली और किस प्रकार के तैयारियां, फायर ब्रिगेड की किस प्रकार की खामियां यहां पर रह गई, उसका भी मूल्यांकन करेंगे। तो एक टीम को लेकर वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, MF दस्तूर नाम है और
वो अपनी जांच पड़ताल शुरू करेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें कि वो जो मेन गेट दिख रहा है आपको, लोहे की जाली दिख रही होगी, वो उसे पूरी तरह से सील किया गया है। एक बार कल रात को जब फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि भीतर और कोई नहीं फंसा हुआ है, उसके बाद से इस परिसर को सील कर दिया गया है और जो सूरत पुलिस है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उस एरिया को बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पर सिर्फ जांच अधिकारी यहाँ पर अंदर भीतर दाखिल हो सकते हैं। अभी भी अंदर, चूंकि कल रात हो गया था आग पर काबू पाते पाते और आज दिन में अभी तक कोई अंदर गया नहीं है, तो अंदर कितनी क्षति हुई है और अंदर सीढ़ियों को कितना नुकसान पहुंचा हुआ है, जर्जर तो नहीं हुई है इमारत, इस वजह से भी इस पूरे एरिया को, परिसर को घेर कर रखा गया है कि कोई आम व्यक्ति भीतर ना जाए। तीसरी और चौथी मंजिल पर तो लकड़ी का जो सीढ़ी बना हुआ था वो जलकर राख हुआ और वही बहुत बड़ी वजह बनी कि बच्चे सीढ़ियों से नहीं उतर पाए। ये कुछ लोग जो हमने चश्मदीदों से बात की, उनका कहना था कि जो शुरुआत में आग लगी थी तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत छोटी आग है, नीचे की तरफ आग है, बुझ जाएगी, उसको कहीं ना कहीं लेकर लापरवाही बरती गई। अगर उसी समय तत्परता दिखाई गई होती तो शायद बहुत से बच्चे बच जाते और ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन लोगों ने उसका आकलन करने में गलती कर दी कि आग फैलते फैलते बड़ी हो जाएगी। लोगों को लगा कि मीटर बॉक्स में या शॉर्ट सर्किट में आग है, धुआं निकल रहा है, चौथी मंजिल पे, ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक आग कैसे पहुंचेगी, लेकिन देखते देखते कुछ ही मिनटों में यह हो गया और फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। और फायर ब्रिगेड पहुंचकर भी क्या करती जब उसके पास संसाधन अधूरे थे, उसके पास संसाधन प्रशासन हो या फिर हो फायर ब्रिगेड, जी हाँ, किसकी जिम्मेदारी बनती है? इतना बड़ा हादसा, 21 लोगों की इसमें जान चली गई, दुनिया में हीरे की चमक बिखेरने वाला सूरत शहर आज पूरी तरह से सदमे में है, रो रहा है। कल शाम एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग ने 21 जिंदगियों को एक पल में ही खत्म कर दिया। कोचिंग में पढ़ रहे 20 बच्चे और एक महिला टीचर इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ सूरत ही नहीं, पूरा गुजरात, यहां तक कि पूरा देश इस हादसे से दहल गया है। आग और धुएं से जान बचाने के लिए बच्चे कोचिंग सेंटर की छत से भी कूदे, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी नहीं मिली। आरोप लगे कि दमकल विभाग के पास न चौथी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, न नीचे कूद रहे बच्चों को बचाने के लिए जाल और न ही आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी। तो सवाल यह कि 21 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार ने जांच बिठा दी है, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो जख्म मरने वालों के परिवारों को मिले हैं उनकी भरपाई अब कभी नहीं हो पाएगी। तारीख 24 मई, वक्त करीब 4:30 बजे, जगह सरथना सूरत। 20 छात्र जिन सपनों को संजोने के लिए रोज सूरत के इस सरथना इलाके में कोचिंग के लिए आते थे, 24 मई की एक मनहूस शाम ने वक्त से पहले इन सपनों का दम घोट दिया। किसी की माँ तो किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का दोस्त कल आखिरी बार घर में इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं लौटे। हीरों के शहर के नाम से मशहूर सूरत में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग ने कई घरों को एक साथ कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया है। सूरत के सरथना इलाके में तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में कई कोचिंग सेंटर और दुकानें हैं। इस 4 मंजिला इमारत में कल शाम करीब 4:30 बजे तीसरी और चौथी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग और इसके जहरीले धुएं की वजह से 20 छात्रों के अलावा एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कई गंभीर हालत में घायल हैं। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। माहौल बहुत गंभीर था, कोई मालूम नहीं पड़ता क्या करे। ये मांगते थे दौड़ा लाओ, ये जाली लाओ, नेट लाओ, ये बोले कोई कुछ लाता ही नहीं था। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पोल लगा हुआ है, तो उस पोल में जो अर्थिंग का वायर आता है ना, उसमें करंट आ रहा था। एक बच्चे ने छुआ खेलते खेलते, तो उसको करंट लग गया, अस्पताल है वहाँ पर उसको भर्ती कराया गया। भयानक आग की लपटों से बचने के लिए अफरा तफरी मचने लगी और कई छात्र
अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदने लगे, लेकिन जान बचाने की कोशिश में अपनी जान ही गंवा बैठे। वहीं जो बच्चे कॉम्प्लेक्स के अंदर थे वो आग की लपटों में झुलस गए। आग लगने के दौरान कोचिंग सेंटर में करीब 50 से ज्यादा छात्र और टीचर थे। चौथी मंजिल पर एक आर्ट क्लासेस चला करता था। जब आग ने पूरी तरह से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया, उस वक्त चौथी मंजिल पर 40 से 45 बच्चे पढ़ रहे थे, अपने क्लासेस कर रहे थे। आग ने इस तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लिया कि बच्चों को सीढ़ी से उतरने का मौका नहीं मिला। आनन फानन में बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाने का फैसला किया। यह जो आप तक्षशिला अपार्टमेंट की जो खिड़की देख रहे हैं, जहां पूरी तरह से आग से झुलसा हुआ आपको नजर आएगा, वहां से बच्चे छलांग लगाने लगे। अधिकतर बच्चों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई छलांग लगाने से, और जो बच्चे छलांग नहीं लगा सके वो आग में झुलसने से या फिर धुएं से उनकी मौत हो गई। 21 लोगों की मौत के अलावा कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए दिल्ली के एम्स में बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। सीएम विजय रूपाणी खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मृतकों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। गुजरात सरकार ने मृतक परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। के बारे में हमारे अर्बन प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश पुरी को इस घटना की तुरंत जांच करने के लिए उसको भेजा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर ट्वीट कर शोक जताया। पीएम ने लिखा, सूरत में हुई त्रासदी से बेहद आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूँ कि हादसे में घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। इन 20 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब अब अनसुलझा हुआ है। जांच होगी, कार्यवाही होगी। हमारा ये फायर स्टेशन है सर, वो 2-3 मिनट का रास्ता भी नहीं है, तो भी यहाँ पे वो पहुँचते पहुँचते 45 मिनट करता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मेरी बेटी एकदम सेफ है, मेरी बेटी का नहीं है, जिसके बच्चे गए हैं उसका अभी क्या है? उसका उसके मम्मी पापा यहाँ घूम रहे हैं, सब रो रहे हैं, उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके लाडले भयानक आग में जलकर खत्म हो गए? सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भड़की आग ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जिसे ताउम्र अब भुलाया नहीं जा सकता। परिवार को बहुत आशा उम्मीद थे, उसको हम अगले साल को हम शादी करने वाले थे, तो दो बहुत धामधूम से करने से ऐसे हमारी आशा थी सबके। कल सूरत की दर्दनाक शाम ने एक पिता के सपने को चूर चूर कर दिया। बेटी की शादी के सपनों को संजोए इस पिता के ख्वाब भी सूरत के इस तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में झुलस गए। कृष्णा भेखड़िया बतौर ट्रेनी डिजाइनर यहाँ काम करती थी, लेकिन कल की दर्दनाक घटना ने इस शाम को उसकी जिंदगी का आखिरी पल बना दिया। जाके देखा तो परिस्थिति बहुत गंभीर था, गंभीर था, तो वहाँ पहुँच पा नहीं सकते, इतने पब्लिक हुए थे, फायर ब्रिगेड आए थे, इसका काम करते थे, ऊपर से उस वो जो अंदर जो फंसा हुआ था, ये सब एक बार एक पछे गिरने लगे सब, और कोई गिरा तो इधर नहीं इधर, कोई ब्रेन हेमरेज, हमारी लड़के को कृष्णा को ब्रेन हेमरेज हो गया, जो वो खोपड़ी फट गया पूरा, तो इधर नहीं उधर वो क्लास हो गया, तो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसमें कुछ नहीं था। और दूसरे लोग ऐसे है तो कोई हाथ पैर टूटे है, कोई कमर टूट गया, और बाकी लोग बचे अंदर, जो बाकी लोग जो अंदर फंसा हुआ था अग्नि में से निकल नहीं सके, तो यहाँ आना सब भरता हो गया। इसमें अभी मैं तो शिमिर में से अभी आया हूँ पोस्टमार्टम करके अमर कृष्णा का, तो इसमें मैंने तो 18 लाश तो मैंने ऐसी देखी कि कोई पहचान नहीं सकता था। पांच बॉडी ऐसे थे तो उसका सगा वाले इधर उधर घूमते थे तो, लेकिन पहचान नहीं सकते थे। शौक था उसका जो और डिजाइन का, और बच्चा को पढ़ाने के लिए, बच्चे को नई नई डिजाइन ड्राइंग सिखाने के लिए, कोई ऐसे खिलौना बना के ऐसा बहुत शौक था उसका, तो इसके लिए वो वहाँ नौकरी करती थी,
सुबह में 10 बजे जाते थे, रात को 8 बजे वापस आते थे। परिवार को कितनी आशा उम्मीद? और परिवार को बहुत आशा उम्मीद थी। उसको हम अगले साल को हम शादी करने वाले थे, उसको तो दो बहुत धाम धूम से करने से ऐसे हमारी आशा थी सबके, तो ये तो चकनाचूर हो गया। आग लगने के दौरान कृष्णा अपनी जान बचाने कॉम्प्लेक्स से कूदी, जिससे उनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस वक्त वहां दमकल की टीम पहुंच गई थी, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नेट मौजूद नहीं था। सूरत के भयानक अग्निकांड में 8 टीचर दर्शिता बाल बाल बच गईं। एक हादसे ने दर्शिता की जान बचा ली। हादसे की वजह से दर्शिता अस्पताल चली गई थी, जिसके चलते उन्हें कोचिंग सेंटर पहुंचने में देर हो गई। दर्शिता की माने तो इस बिल्डिंग और कोचिंग सेंटर में लकड़ी का काम ज्यादा था। कोचिंग सेंटर की सीलिंग में थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण तेजी से ये आग फैलती चली गई। रूटीन में आप जो जगह पे जाती थी, हर रोज जहाँ पे जाती थी, वहाँ पर आज नहीं गई आप, क्या कारण था वहाँ पे न जाने? आज मेरे को बाहर जाना था, इसलिए मैं आज नहीं गई थी। और मेरा टाइम है 5:30 को, और मैं आज बाहर जाना था, इसलिए मैं नहीं गई थी आज ड्राइंग क्लास पर। अच्छा, किस तरह का माहौल था जब आपके पिताजी ने आपको बताया कि आप जहाँ पे जाती है वहाँ पे आग लगी है, तो आप मत जाइए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बट इसने बोला कि कृष्णा को लगी है, तुम मत जाना, ऐसा तुम हॉस्पिटल आ जाओ ऐसा। आप वहाँ पे क्या कर रही थी? जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप पढ़ने जा रही थी या पढ़ाने जा रही थी वहाँ पर? जबकि कितने बच्चों को पढ़ा रही थी? 50 स्टूडेंट। जबकि जो कजिन है वो नहीं रही है, उनके साथ कोई बातचीत होती थी? हाँ, डेली सिस्टर थी इसलिए होती तो होगी। बाल बाल बच गई दर्शिता, लेकिन मौत के उस मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। आप देखते रहिए बीपी न्यूज़।